नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनू चौहान। आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने वर्ष 2020-21 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट एवं बजट के संबंध में विभागीय योजनाओं की महिला अधिकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ शासन सचिवालय में समीक्षा की। ममता भूपेश ने विभागीय अधिकारियों के साथ बजट घोषणा एवं जन घोषणा की पालना, विभागीय अपडेशन की स्थिति, सामूहिक विवाह हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की स्थिति, इंदिरा महिला शक्ति निधि उद्यम प्रोत्साहन योजना में प्रगति एवं नवीन MIIM की प्रगति, राजस्थान राज्य महिला नीति 2020 की प्रगति व तत्कालीन महत्व के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान समीक्षा बैठक में महिला अधिकारिता विभाग की निदेशक रश्मि गुप्ता ने विधि प्रकोष्ठ की जानकारी देते हुए इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना अंतर्गत CSR के तहत जयपुर जिले की तरह अन्य जिलों में भी RSLDC के माध्यम से प्रशिक्षण करवाए जाने के बारे में बताया। रश्मि गुप्ता ने बजट घोषणा तथा जन घोषणा की वस्तु स्थिति के संबंध में कहा कि कुल 14 घोषणाओं में से 10 पूर्ण हो चुकी हैं और 4 प्रगति परक हैं एवं महिला अधिकारिता विभाग द्वारा 300 पदों की भर्ती में से 178 पदों पर भर्ती हो चुकी हैं और शेष प्रक्रियाधीन हैं।